हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ वेज राइस। इसके लिए मैंने एक कड़छी तेल डाल दिया है और इसमें एक कच्चा आलू जो कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था उसको मैं सेलो फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको करेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब तेल जो बच गया है उसमें मैंने बारीक कटी हुई गाजर डाल दी है, इसको भी हम सेलो फ्राई करेंगे। साथ में ही मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई बीन्स। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें आप प्याज भी अलग से भून सकते हो, प्याज को भी फ्राई कर सकते हो। मैं ये बिना प्याज के बना रही हूँ। जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इनको भी हम आलू के साथ ही निकाल लेंगे। अब इसी तेल में, बचे हुए तेल में मैं मटर भी डाल दूंगी। ये सफ़ल मटर है तो थोड़ा सा कम इसको करने की ज़रूरत होती है, ये जल्दी नरम हो जाती है। इसको मैंने ढक दिया है क्योंकि ये फटकती है तो कहीं उछलती है, तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको भी अच्छे से, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इसको भी हम निकाल लेंगे। सारी सब्जियाँ सेलो फ्राई करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें मैं तेल डाल रही हूँ और मैंने हरी मिर्चियों को लंबा लंबा काट लिया है और इसको भी मैं सेलो फ्राई कर लूँगी। आप इसके बीज हटा दीजिएगा, मैंने हटाए नहीं थे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ऐसा ही काम होता है। अब मैंने चावल बनाने हैं तो उसके लिए मैंने तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है और इसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। तेज पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ, जीरे को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको फ्राई करने के बाद मैं सारी सब्जियाँ डाल दूँगी जो मैंने अभी सेलो फ्राई की थी। आप चाहें तो इसमें सब्जियां और भी डाल सकते हैं, जैसे फूल गोभी, शिमला मिर्च, है ना। सब्जियां कोई भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो थी मैंने वही डाली है, आपके पास अगर कोई दूसरी है तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू डाल दिए हैं, काजू भी इन सब्जियों के साथ ही ब्राउन हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। इन सब्जियों में ही मैं नमक और मिर्च अभी ही मिला दूँगी, जिससे क्या होगा कि सब्जियाँ जो है थोड़ी सी नमक वाली बन जाएंगी। कई बार होता है कि हम चावल बाद में अगर डालेंगे और चावलों के ऊपर अगर हम नमक मिर्च डालते हैं तो वो सब्जियों में नमक नहीं जा पाता है इतना, तो इसलिए पहले से ही अगर हम डाल देंगे तो सब्जियां भी खाने में अच्छी लगेंगी। नहीं तो क्या होता है, हम जब खाते हैं तो सब्जी कई बार फीकी लगती है। अब सब्जियों में अच्छे से नमक चला जाएगा, सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम चावल भी डाल देंगे और इनको अच्छे से हिलाना है जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए चावलों में। तो ये बन जाते हैं हमारे फ्राइड राइस। इसमें आप ऊपर से गरम मसाला डाल सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को तो मैगी मसाले वाली फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें तो बिरयानी जैसा ही टेस्ट आता है। बिल्कुल बिरयानी मसाला डाल दोगे इसमें तो वो बिरयानी बन जाएगी बिल्कुल ही एक्चुअल में। इसमें आप सोयाबीन बड़ी भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, तो इसमें कुछ भी आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी इसमें बना सकते हैं। इसको आप सर्व करिए दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या किसी दाल वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। कई बार हमारे पास एक्स्ट्रा चावल बच जाते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। गुड बाय।